दोस्तों, अभी हाल ही में ओप्पो ने अपनी ओप्पो R17 प्रो को लॉन्च किया है इंटरनेशनली, और इंडिया में भी ये बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ओप्पो की तरफ से कि ये फोन अभी 1 दिसंबर से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ, बताऊंगा क्या है इसके नए फीचर्स और क्या है इसमें खास और क्या है इसकी प्राइस और क्या ये लेना वर्थ इट है या नहीं और क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो है क्वाड HD की, और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है वो है 91.5% का। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे ओप्पो ने यूज किया है स्नैपड्रैगन का एक 710 प्रोसेसर जो की अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, और ये प्रोसेसर एक मिड रेंज प्रोसेसर है और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसकी AI कैपेबिलिटीज और पावर मैनेजमेंट को लेके, ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोसेसर फ्लैगशिप प्रोसेसर्स की मुकाबला कर लेगा, तो वो आप गलत सोच रहे हैं, ये वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट 835 भी इससे ज्यादा बेटर है, लेकिन 835 इससे ज्यादा एडवांस भी है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता इस प्रोसेसर में और फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस फोन के रैम के बारे में और स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे एक बेस वेरियंट सामने आ रहा है जहाँ पे आपको 6GB का रैम और 128GB की स्टोरेज मिलेगी। अब यहाँ पे दो वेरियंट भी लॉन्च हो सकते हैं जिसमें रैम 8GB मिले और स्टोरेज 256GB मिले। खैर, ये तो अब लॉन्च डेट पे ही पता चलेगी। यहाँ पे अगर आप इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो ये डिजाइन काफी अच्छा है इस फोन का, और बॉडी की कलर है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो डिस्प्ले के अंदर ही दिया जा रहा है। तो 2018 एक ऐसा ईयर बनते जा रहा है जहाँ पे आपको एंड में सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहे हैं, जो की एक अच्छी फीचर है, जहाँ पे जगह भी बचती है और ये कुछ नया 2018 टाइप लगता भी है। अगर आप इसके फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी नॉच दी गई है जिसमें एक RGB फ्रंट कैमरा है। अब RGB फ्रंट कैमरा यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे फेस अनलॉक की भी फीचर को दिया गया है आपको। और जो फ्रंट कैमरा है, ओप्पो के फ्रंट कैमरा हमेशा अच्छे ही होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सेल्फी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था शुरू में। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रंट कैमरा है उसकी स्पेसिफिकेशन की बात मैं आपसे थोड़ी देर में करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं इस फोन के पीछे। तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप। अब इसे आप ट्रिपल कैमरा का सेटअप बोले या 2 कैमराज और 1 इमेज डेडिकेटेड सेंसर बोले, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी चीज उन्होंने यूज की है उसे हम TOF 3D कैमरा बोलते हैं। अगर मैं आपसे TOF की बात करूँ, तो TOF एक टाइम ऑफ फ्लाइट एक ऐसा सेंसर होता है जिस जो कि ये पता लगाता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जिस चीज पे फोकस कर रहा है कैमरा, वो कितनी दूरी पे है और कितने सारे चीज है और कितनी जल्दी लाइट बाउंस करके वापस आ रही है। ये एक अलग ही तरीके का सेंसर है जिसकी मदद से यहाँ पे AI ज्यादा अच्छे फोटोज आपके सामने ला सकता है और ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा सकती हैं। अब चूंकि ये एक ऐसा सेंसर है, इसके मदद से यहाँ पे मुझे लगता है कि इस फोन की जो फोटोग्राफी होगी उसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छी होगी, और यहाँ पे कैमरा सेटअप जो पीछे है वो भी काफी कमाल का दिया गया है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे दो लेंसेज जो यूज की गई है वो कैसी यूज की गई है, तो यहाँ पे जो पहली और मेन लेंस है वो एक 12 मेगापिक्सल की लेंस है। यहाँ पे जो अपर्चर है वो है f1.5 और f2.2 का। आप सोच रहे होंगे कि ये दो अपर्चर कैसे है, तो ये जैसे आपने सैमसंग के गैलेक्सी S9 की लेंस को देखा होगा जिसमें 12 अपर्चर थी, ठीक वैसे ही इस फोन में भी जो मेन लेंस है वो 12 अपर्चर को सपोर्ट करती है, और ये काफी कमाल का परफॉर्मेंस इस कैमरा को देता है और यही इस चीज के कैमरा को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। जो दूसरा सेंसर यहाँ पे दिया गया है वो है 20 मेगापिक्सल का, और वो मेनली पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए ही यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से। हालांकि जो इस फोन का प्राइमरी कैमरा है, जो मेन लेंस है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी कमाल की, और मैं होप करता हूँ कि इसकी फोटोग्राफी उतनी अच्छी आनी भी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 25 मेगापिक्सल का लेंस जिसकी अपर्चर है f2.0 की। एक बहुत ही कमाल का सेल्फी कैमरा के लिए लेंस होगा, और जो फोटो इससे आते हैं, जो सैंपल्स इसके आते हैं, वो काफी कमाल के हैं। हालांकि आप जानते ही ओप्पो और वीवो ऐसी कंपनीज है जिनकी कैमरा के परफॉर्मेंस, खास के फ्रंट कैमरा के परफॉर्मेंस को ज्यादा ही अच्छी होती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जो रियर कैमरा के परफॉर्मेंस है वो ये प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा इंडिया में तभी पता चलेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको कंपनी एक सुपरवुक चार्जर भी दे रही है। सुपरवुक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्मार्टफोन को लेके, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है जिसकी मदद से आपका फोन जो है वो 0 to 100% 35 मिनट्स में ही चार्ज हो जाती है। यहाँ पे जो बैटरी है वो है 3700 mAh की। यहाँ पे आपको कोई भी हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, इस फोन में सिर्फ USB Type-C है, और यहाँ पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड सॉल्यूशन का यूज नहीं किया गया है, और ये भी बात चली कि इंडिया में
जब ये फोन आएगा तो ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। अब ये कब आएगा और क्या आएगा ये तो आने पे ही पता चलेगा। हालांकि न्यूज तो अभी यही है कि आप 1 दिसंबर से इसे प्री बुक कर सकते हो, लेकिन अब सबसे बड़ा फैक्टर इस फोन के लिए जो आता है वो इस फोन का प्राइस। तो जैसा बाहर इसे लॉन्च किया गया है वो काफी महंगा है, अगर मैं उसे कन्वर्ट करूँ तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग करीबन 40,000 से 45,000 के आसपास पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता इस फोन के लिए वर्थ इट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो चिपसेट मिल रहा है वो इतना वर्थ इट नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसके जगह पे OnePlus 6 को चूज करेंगे या 6T को चूज करेंगे तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकाल देती है। हालांकि एक बात और है जो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि OnePlus 7 शायद इसी पे बेस्ड हो और OnePlus 7 की डिजाइन से लेके स्पेसिफिकेशंस तक एक्सेप्ट द प्रोसेसर इससे बहुत ही ज्यादा हद तक मिले, क्योंकि OnePlus की जो फोन्स हैं वो जनरली ओप्पो के बहुत सारे मॉडल से मिलती जुलती हैं। इनफैक्ट OnePlus 5 से लेके अभी तक 6T तक जितनी भी वेरियंट्स हैं उसे ओप्पो ने कहीं ना कहीं लॉन्च किया ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद OnePlus भी इस चीज को यूज करे, हो सकता है अगले साल आपको OnePlus में ट्रिपल कैमरा के सेटअप को देखने मिले और वो कुछ ऐसा ही हो। और अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो रही है कि ये क्या चीज है तो मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये फोन अच्छा था, काफी अच्छा था, एज इन जो चिपसेट है इस फोन का, जो प्रोसेसर होगा उसे अगर वो अपग्रेड कर दे और ये प्राइस रखे तो ये ज्यादा बेटर होगी, लेकिन चूंकि वो एक 710 है तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने प्राइस के हिसाब से वर्थ इट फोन है। आपका क्या सोचना है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप किसी ऐसे फोन को लेने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।